नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रभात। मैं आपके साथ प्रेमराज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां के एक मकान में बम विस्फोट हो गया। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। ब्लड उलड इसी घर में रहती थी क्या? वो लोग ब्लड नीचे भी गिरा हुआ कहीं? नहीं, आराम से रख गया। रुक गया भाई, रुक गया। दूसरा का दवा घर कहाँ गया यार? अभी हम खबर नहीं चला सकते। अभी भी चलेंगे, पुष्टि नहीं हुई। तब कैसे हम चला लेते? बम चला गया कैसे? रखिए हम तो मत देते ना। जब तक आज तक ना चला के हैं। ऊपर जाके रिकॉर्डिंग करें। ऊपर किधर से? जय श्री कृष्ण। आइए भैया, आप नहीं रुके बताइए। उमा सिनेमा के नजदीक एक बम फटने की सूचना है और आग लगने की भी सूचना मिली थी, जिस पर हम आकर सत्यापन यहाँ पर। तो और लोगों ने बताया कि घर से बम, घर में रखा हुआ बम फूटने की सूचना है। कितना मकान क्षतिग्रस्त और दो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, 5-6 आदमी को घायल होने की सूचना। कहाँ भेजे हैं? सभी लोग PMCH गए, PMCH में जांच में चुके हैं और जांच चल रही है। किसी को हिरासत में भी लिया गया सर? ना, अभी तक नहीं। बम पटका गया कि सर घर में बम था? घर में बम रहने की सूचना मिली। ठीक है, तो हम आपको बता दें, ये जो खबर है राजधानी पटना की है और वो गांधी मैदान से सटे हुए इलाके की है, सालिमपुर अहरा की ये घटना है। और हम आपको बता दें, जो मकान में बम ब्लास्ट हुआ उसमें से 5 से ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, उनको आनंद फार्म नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और आपको बता दें, जो इस घर में लोग थे और घर का हालत काफ़ी दयनीय है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रभात। न्यूज़ प्रभात को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।